गीत किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है, बस वहीं से साइड से निकल रहा हूं। आदरणीय दादाजी को याद कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो, हम बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। कहते हैं कलाकार से भी चतुर श्रोता होता है। अब यहाँ कीर्तन किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग जितना बताएंगे आप लोगों की समझ में आती चली जाएगी बात। आइए आइए, पहला गीत आप लोग सुने और आदरणीय ज्योति कमल जी आप भी मेरे इस गीत को सुनेगा। आइए, फिल्म वाले कहते हैं क्या, अरे के मेरे प्यारी को तुम भुला दो। कहीं मुझसे दामन छोड़ा तो बहुत सिंपल सा गीत आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें कहना क्या है, अरे ये इसकी नहीं आशा मुश्किल से पाना दरिया है और डूब के जाना है। कागज समझ कर चला तो न दो, कागज समझ कर, कागज समझ कर चला तो न दोगे, मेरे प्यारी को तुम भुला तो न दो। सुना तो सत्यता प्रकट हुई गीत में कि सत्यता क्या होती है। परमाननीय बालाजी टेंट हाउस के प्रोपराइटर साहब हरचंदपुर राव की ओर से पुनः 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है, धन्यवाद। कहते हैं कि तीन ऋण होते हैं, गुरु ऋण, मातृ ऋण और पितृ ऋण। हालांकि ऋण तो कई हैं, ऋषि ऋण वो अलग की बात, लेकिन तीन मुख्य होते हैं, गुरु ऋण, मातृ ऋण और पितृ ऋण। क्या बात। अब आदरणीय हमारे भैया दीपू जी का व उनके तमाम साथियों का कितना बड़ा योगदान रहा है कि आज इतना बड़ा भव्य आयोजन सजाया है। उनके पिताजी जहां कहीं पर भी होंगे उन्हें महान आशीर्वाद दे रहे होंगे, इसलिए कह रहा हूं, अरे के पिता माँ का ऋण तुम चुका ना सकोगे, बच गया
ये है एक्सप्रेस। और इसी श्रृंखला में परमागणी भैया आशीष मिश्रा जी पुनः ही 51 मित्राओं का आशीर्वाद हमारे भैया अंकुर भैया को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लो बेटा इसको गलत जगह पे मत लगाना। तो कहना क्या क्या के पलकों के पलनों में तुम माने झुलाया है, पलकों के पलनों में। जय हो माता। सबसे पहली माँ होती है जो हमको चलना सिखाती है। तो पलकों के पलनों में तुम्हें माँ ने झुलाया है, ममता के अमृत को तुम्हें माँ ने पिलाया है। ममता के अमृत को तुम्हें मां ने पिलाया है, इसलिए कहना है कि उधर में भी ना माटी का ना सकोगे, पिता मां का ऋणी तुम चुका ना सकोगे, पिता मां का ऋणी तुम चुका ना सकोगे, श्रवण बन के चाबी तक दिखा ना सको। लखन राम बल कर दिखा ना सको। क्या बात है। भगवान राम जाने लगे तो छोटे भैया लक्ष्मण पीछे पीछे चलने लगे। माता जानकी चलने लगी तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जिय बिनु देह नदी बिन बारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। इसलिए कहना क्या लखन राम बल कर दिखा ना सको, लखन राम बल कर दिखा ना सकोगे सकोगे, लखन राम बल कर दिखा ना सकोगे, पिता माँ का ऋण तुम चुका ना Oh!
जान को बहाती है, जब मौत हुई उसकी क्यों आस बहाती है। हनुमान जी यमलोक पहुंच गए। अब देखो वहां पर यमलोक से माता के प्राणों को लाए हैं, ला करके बूटी को पिता प्राण बचाए हैं, प्राण बचाए हैं, प्राण बचाए हैं। तो वो बजरंग सिपा दिखा ना सको, क्या बात है, करण बन के फिर तुम, करण बन के फिर तुम दिखा ना सको, श्रवण बन के जब तक दिखा ना सको। बात माता के प्रति संवेदना प्रकट कर रहा हूं, कह रहा हूं भूखी खुद रह के तुम्हें खाना खिलाती है, और गीले में रह के तुम्हें सूखे में सुलाती है। का ये कर जा चुका ना सको, वो बजरंग सी भांति दिखा ना सकोगे, वो बजरंग सी भांति दिखा ना सकोगे, पिता माँ कर तुम चुका ना सको। इश्क नहीं आसान,
कुछ मर गए कुछ अब भी तैयार बैठे हैं। ये सब फिल्म वालों की बात है, इसका सहारा लेना हम लोगों को। अब ये परंपरा चली आई है, पता नहीं किस कीर्तनकार ने किस बुजुर्ग ने इस प्रथा को बनाया है। बनाया है तो बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल धन्यवाद है। भैया की तरफ से बात आई है, पिता माँ का ऋण तुम चुका ना सकोगे। भैया एक बात कहूंगी, अगर आपने मुझे कहा है कि मैं बड़ी बहन हूँ तो एक सलाह है, देखिए इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रयास करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और क्या, बिल्कुल, क्योंकि जितना समय आजाद भगत को मिला उतना समय हमारे पास भी है। और क्या, बस उस समय को उपयोग करने की जरूरत है कि हम उस समय को किस तरह से मैनेज करते हैं। ये है बात। जितना समय हमारे चाचा के पास है, बिल्कुल, उतना समय अमिताभ बच्चन जी के पास भी है। तो ये मैनेज करने की बात है कि समय को कैसे मैनेज किया जाए। इस दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है। और भैया वीरेन सिंह जी कोटेदार पूरे लखनऊआ 51 कदम है आपकी ओर से। भैया मुन्ना सिंह जी चमकी वाले पूरे लखनऊआ आपकी ओर से 51 पद मुद्राए हैं। और ये भैया आ गए जडेजा सिंह जी गौरव ज्वेलर्स पूरे लखनऊआ आपकी ओर से भी 51 पद मुद्राए हैं। क्या बात है, महामाई हमेशा अंग संग रहे, कृपा करती रहे। और ये भैया हमारे परम आदरणीय चाचा श्री अमर राज सिंह जी की आत्मा की शांति के लिए, आत्मा तो उनकी बहुत ही प्रफुल्लित होगी, क्या बात है, ऐसी श्रद्धांजलि देना सबके बस की बात नहीं है चाचा, ना गलत कह रही हूँ तो बताइएगा, ऐसी श्रद्धांजलि देना सबके बस की बात नहीं है। हमने तो देखा है, हमारे गांव की ही बात है कि उनकी माता जी का देहांत हो गया, 13वीं में उन्होंने नौटंकी का प्रोग्राम कराया और बरसी में उन्होंने ऑर्केस्ट्रा कराया। तो ये आंखों देखा हाल आपको बता रहे हैं। तो ऐसी श्रद्धांजलि देना भी सबके बस की बात नहीं है। धन्य है वो पुत्र और धन्य है वो पिता जिसकी आप संतान हैं। क्या बात है। और ये भैया हमारे राम अभिलाष जी सिंह मिश्रा भीरा निवासी आपकी ओर से 100 पद मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया राम लोटन सिंह जी पूरे लखनऊ 51 पद मुद्राएं आपकी ओर से हैं, हृदय से नमन है, आशीर्वाद की कामना है। आप लोग ऐसे ही पुरस्कार से हमारा प्रोत्साहन करते रहिए, हम आपको कीर्तन सुनाते रहेंगे। क्या बात है। देखिए भैया ये अपनी एक बात है, हम आपके गीत पर सवाल नहीं कर रहे, ये एक अपनी बात है कि मुश्किल कुछ भी नहीं है ना, ना। लेकिन बशर्ते चाह होनी चाहिए, बिल्कुल। और देखिए आपने कहा चुका ना सकोगे, हर ऋण को चुकाने का तरीका भी है, बिल्कुल। और ये लिखित है, बिल्कुल, हम नहीं कह रहे ये लिखित है। शाबाश, आइए आपने कहा चुका ना सकोगे तो प्रयास कर रही है आपकी ये बड़ी बहन, सुनिएगा। चलो बेटे, चलो बेटा रामचंद्र। पिता माँ के ऋण को चुका भी सकोगे, पिता माँ के ऋण को चुका भी सकेंगे। कैसे सब कैसे कैसे पिता माँ के ऋण
वचन आचरण को निभा भी सकेंगे, वचन आचरण को निभा भी सकेंगे, जनक मिलकर हम सबको जाते हैं। ये बात, माता पिता मिलकर संतान को जन्म देते हैं। हम सभी को हमारे माता पिता ने जन्म दिया है, लेकिन ये ऋण है, लेकिन इस ऋण को हम कैसे चुका सकते हैं? कैसे? छोटी सी बात चाचा। जननी व जनक मिलकर हम सबको जाते हैं, ओ जननी व जनक बनकर हम फर्ज निभाते हैं। जो चुकी कैसे निभाते हैं? कैसे? कष्ट हमारे वो हम जब संतान को जन्म देते हैं, जब हमारी संतान होती है तो वो कष्ट हमको भी उठाना पड़ता है। इस तरह से हम भी इस फर्ज को निभाते हैं। बिल्कुल। कैसे? कैसे? जननी व जनक मिलकर हम सबको जाते हैं, जननी व जनक बनकर निभाते हैं, जननी व जनक बनकर हम फर्ज निभाते हैं। कैसे? कैसे? अरे सिया राम बनकर दिखा भी सकेंगे। हाँ, द्विज सुर सुत सुंदर सीता जाए, दो सुत सुंदर सीता जाए। क्या बात है, दिखा भी सकेंगे। और क्या? पिता सिया राम बन कर दिखा भी सकेंगे, जीवित करवाया तो पितुजी की आज्ञा पर सर काट दिया मां का। Come on!
परशुराम दिल में सजा भी सकेंगे। ये बात परशुराम पितामा के ऋण को चुका भी सके। पितामा के ऋण को चुका भी सके। पितामा के ऋण को चुका भी सके। एक ऋण और गुरु ऋण। श्री परशुराम जी ने दी द्रोण को शिक्षा। परशुराम जी ने द्रोण को शिक्षा दी। क्या बात है। द्रोणाचार्य जी को शिक्षा दी और द्रोणाचार्य ने दी शिष्यों को शिक्षा है। ज्योति जगमग जगा भी सकेंगे।